अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार 0555 आगे बजा रहा सर। आपको बालक ने फांसी लगाई, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या घटना थी पूरी आप कहाँ से? मामला क्या, वो उसकी थोड़ी सी चोरी करने की आदत बन गई थी और कल भी उसने ऐसे ही करा था और वो कम से कम 4-5 साल से कर रहा था और उसकी इन्फॉर्मेशन में मेरे सालों को भी हर बार बताता था। तो कल भी उसने ऐसी हरकत करी, मैं तो इंदौर चला गया था ऑफिस और शाम को आया, फिर उसको थोड़ा सा समझा बुझाया और थोड़ा सा मैंने उसको ऐसा नहीं कि खूब मारा, डराया धमकाया। बाप का फर्ज यही रहता नहीं कि अपनी औलाद को सही रास्ते पे चलाए, बस यही। उसके बाद फिर शाम को भी जा उसने हरकत कर वहाँ ले गया, वहाँ भी उनने समझाया मेला, हमने सब ने बताया उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और शाम को फिर खाना आना भी खाया और सुबह भी उठा उमर उमर के करा उसने छत पे बैठ के, और फिर नहाया भी सही, पूजा भी करने गया। वो कहाँ पे की थी चोरी? वही मोहल्ले में ही करी थी। अच्छा, आज क्या घटना हुई फिर, आज आप कहाँ थे? मैं सुबह 10 बजे इंदौर निकल गया था, मैं मेरा क्या इंदौर आना जाना है, डेली अप डाउन ही है कभी करीब 20-21 साल से। क्या? मेरा प्राइवेट जॉब है कंसल्टेंसी के थ्रू काम करता हूँ। घर पे सिर्फ छोटा वाला बड़ा वाला बालक उसका पेपर था तो उसको मैं छोड़ आया था 8:30 बजे, फिर आया मैं, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ किया और फिर हल्का खाना वाना खा के मैं निकल गया और ये नहरिया था उस टाइम, उसकी मम्मी थी बस और छोटी वाली गुड़िया वो स्कूल निकल गई थी। वो उसकी उसके खुद के मामा को मैं हर बार बताता था कि, और मैं उसको इतना समझाता था कि यार तू मेरा जैसा बन, ये क्यों करता है ऐसा। और उसको पढ़ने के लिए मैंने स्कूल भी चेंज करा और उसके लिए अभी डबल से एडमिशन के लिए भी मैं वो वापस जहाँ पे था वहाँ पर MGM स्कूल, MGM से फिर वापस केरला में गया था, 7th क्लास में था वो, 7th से 8th में आया था तो वो 7th में भी सप्लीमेंट्री आया था जिस स्कूल में डाला था। तो मैंने कहा चलो वापस दूसरे स्कूल में अपन इसको डाल दें, पर बीच में गर्मी की छुट्टी में उसके मामा के यहाँ गया था वो, तो सब ने प्रेशर करा था, सब लोग हैं यहाँ पे, तो बोले कि इसको रहने दो 8 दिन, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर 8 दिन से 10 दिन 15 दिन वापस मैंने फोन गया लेने, तो फ़ोन लगाए तो बोले कि अभी रहने दो इसको, और तो मैंने कहा ठीक है अब सब रह रहे हैं। तो वापस इसको 20-21 दिन बाद लेकर आए तो घर से ये बिगड़ बताए सुबह चला गया, एक रात रुका, फिर वापस इंदौर भी बेटी ले गई थी, दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या नाम है इसका जो बालक कजनी पास? इसका नाम जगदीश है। जगदीश, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रकाश है। क्या कुछ घटना हुई, कहाँ की घटना है ये? कालूखेड़ी की घटना। क्या हुआ पूरा मामला? कुछ उसने पड़ोस में चोरी करी थी तो उसको आया, फिर मतलब जब जा करी थी उसको वहाँ पे भी समझाया था, घर पे भी समझाया था, खाना ना खाया, सो गया हो गया सब कर लिया, सुबह भी उठ के अच्छे से था, फिर मैं कॉलेज चली गया था, फिर उसका मेरे को पता नहीं फिर क्या हुआ था। फिर आपको क्या सूचना मिली क्या? फिर मेरे को एक भैया का फोन आया कि उसने ऐसा ऐसा हरकतें कर लिया, फांसी लगा ली। फांसी लगा ली? हाँ। पढ़ता था आपका भाई? पढ़ता था। कौन सी क्लास? हाँ वो 7th में पढ़ता था, 8th में छोड़ दिया था। कितने भाई बनो आप? टोटल 4। चार? हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? वो सिविल इंजीनियर थे। क्या नाम है आपके पापा? प्रकाश खुदावल। और जिनने फांसी लगी उनका नाम क्या? जगदीश खुदावल। मतलब आज आप फांस और जो जो सूचना मिली इसके बाद में आप परीक्षा छोड़ के वहाँ पे गए थे? परीक्षा छोड़ के। हाँ। आपका नाम? अर्पित खुदावल। सर रेलवे थाना क्षेत्र में फांसी लगाने का मामला था, क्या कुछ मामला था, क्या पूरा करना? आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि थाना BNP अंतर्गत ग्राम कालूखेड़ी में एक बालक है जगदीश पिता प्रकाश, उम्र 14 वर्ष है उसकी, उसने फांसी लगा ली है।
सूचना पर हमने मौके पे हमारी टीम को भेजा था, जिनके द्वारा बॉडी को यहाँ पीएम के लिए भेजा गया है। अभी बच्चे का पीएम चल रहा है, पीएम के बाद जैसे भी जानकारी या पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या कुछ लगा जा, अभी जो जाँच हमारी चल रही है इस संबंध में, पर जो परिजनों से और आसपास में जो बातचीत हुई है उसमें यह है कि बच्चे के साथ उसके पिताजी माताजी के द्वारा डांट वाट की गई थी, उससे क्षुब्ध होकर बच्चे द्वारा आज फांसी लगा ली गई है।